गडकरी से निवेदन किया विधानसभा सत्र में, और उन्होंने मेरी इस बात को माना और जींद में ही वकालत की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने कोर्स देने का काम किया। आज हमारे बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, जींद की यूनिवर्सिटी से बच्चे वकील बनकर बाहर निकलेंगे। ये वो काम है जिनको लंबे समय तक हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारे पोते, हमारे पड़पोते जिसका इस्तेमाल करेंगे। ये गलियां हैं, ये गलियां बन जाएंगी, 3 साल के बाद फिर टूटेंगी, फिर बन जाएंगी, फिर बनेंगी, फिर टूटेंगी। क्या उनसे पूछिए कि आपने जीवन के अंदर क्या कभी कांग्रेस 10 साल का राज रहा, कांग्रेस ने जींद के लिए किया क्या? जहां से रोहतक से चलिए, जहां जींद की सीमा स्टार्ट होती थी, सोनीपत से जहां जींद की सीमा स्टार्ट होती थी, वहीं पे सड़कें टूटनी शुरू हो जाती थी, पता लग जाता था कि जींद आ रहा है। जितना ही ध्यान दिया गया उन्होंने अपने रोहतक सोनीपत झज्जर पे देने का काम किया, क्षेत्रवाद का काम किया, अक्षेत्रवाद की उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में ही काम करने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिन्होंने पूरे के पूरे हरियाणा में एक समान काम करने का काम किया, हमारे 90 के 90 विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए की राशि देने का काम किया, अपारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बच्चा अमीर का हो, बच्चा गरीब का हो, लेकिन जो बच्चा मेरिट लेगा वही नौकरी का हकदार रहेगा। आपके गांव में भी बहुत से बच्चे नौकरी लगे होंगे, कुछ बच्चे तो ऐसे नौकरी लगे होंगे जिनके घर में एक समय का खाना भी नहीं था। अभी आपने 2 रोज पहले देखा होगा, असंध के कांग्रेस के विधायक, फरीदाबाद के कांग्रेस के विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हम नौकरी देंगे, और उन्होंने दी है, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम पर्ची भी चलाएंगे, खर्ची भी चलाएंगे और अपना पेट पहले भरेंगे। आपने फेसबुक पर देखा होगा, आपने उनकी वीडियो देखी होगी। भाइयों, कहां जाएगा गरीब का बच्चा? पहले तो अमीरों के बच्चे लग जाते थे, या गरीब का बच्चा अपना मकान बेचे या अपनी जो थोड़ी वो जमीन जायदाद है वो बेचे, तब जाके उसको नौकरी मिलती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आपको कोई जमीन जायदाद बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पड़ी तो सिर्फ इतनी कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें। लेकिन जो कांग्रेस का मुखौटा है वो आज आप लोगों के सामने है। आप फेसबुक पे स्वयं उनके मुखारविंद से बात सुनिए कि कितनी ताज्जुब की बात है, शरेआम लोगों के बीच में ये कहने का काम कर रहे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची नहीं, यहाँ तो पर्ची भी चलेगी खर्ची भी चलेगी और पहले हम अपना पेट भरेंगे। साहब 10 साल हो गए, इसलिए बेचैन हुए फिर रहे हैं वो लोग कि हम लोगों को कैसे हड़पना शुरू करें, लोगों से कैसे पैसा हड़पने का काम करें, हरियाणा को कैसे लूटने का काम करें, ये काम कांग्रेस के लोग करें। भाइयों, आपके बीच में कांग्रेस के लोग भी आएंगे, पूछिएगा कि आप लोगों ने 8-8 बार इलेक्शन लड़े, 4-4 बार आप मंत्री रहे, आपने जींद को ऐसी कौन सी सौगात दी जो बहुत लंबे समय तक सौगात चलने वाली हो, ऐसी एक सौगात का नाम गिनवाइए कि आपने इतने समय तक क्या किया। शिक्षा मंत्री आप रहे, परिवहन मंत्री आप, आपका वित्त मंत्री आप रहे, उसके बाद आप लोगों ने किया क्या? आप जींद के अंदर देखिए, बस स्टैंड को भी भारतीय जनता पार्टी ने बाहर खुले में ले जाने, पिंडारा में ले जाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज आप लोगों के सामने, इसी प्रकार से जींद में सौंदर्यीकरण के काम चल रहे, इसी प्रकार से आप देख रहे हैं प्रत्येक चौक को बढ़िया बनाया जा रहा है, राजा अशोक के नाम से चौक बन रहा है, अम्बेडकर साहब का चौक बन रहा है, इसी प्रकार से सर छोटू राम जी का चौक बन रहा है, मदन लाल ढींगड़ा का चौक बना, तो इस प्रकार से जींद को भी सौंदर्यीकरण का काम दिया जा रहा है और प्रत्येक प्रकार से जींद में भी भाखड़ा का पानी लाया जा रहा है। इस प्रकार से हमने क्लस्टर परियोजना गांव के लिए बनाई, 6 गांव में आपका खोखरी डालम वाला, इन 6 गांव में एक प्रैक्टिकल करके हमने देखा वो कामयाब होता नजर आ रहा है। इसी प्रकार से हमने अगले प्रोजेक्ट भी दिए कि आप हर 6-6 गांव को क्लस्टर परियोजना बना दी जाएगी जिसमें गांव वालों को भी पीने के लिए साफ और स्वच्छ पानी मिलेगा। ऐसी योजनाओं के साथ हम लोग आप लोगों के बीच में उतरे, हमने जो वादा किया उन वादाओं को हम पूरा करने का काम करते हैं।